अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ वो है कोफ्ता पुलाव। तो इसके लिए जो मैंने ये कीमा लिया है चिकन का है, 400 ग्राम्स चिकन का कीमा है, मैंने धो के रख लिया है। 400 ग्राम है, आधा किलो से थोड़ा कम। और इसमें जो चीज़ें जाएंगी, ये हरा मसाला है, हरा धनिया, एक मीडियम साइज़ की प्याज थोड़ी सी, और हरी मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने तकरीबन 8-10 ली हैं, और छोटी वाली हरी मिर्चें हैं ये। और बाकी चीज़ें जो इसमें जाएंगी, खशखाश का पेस्ट 1 टेबल स्पून फुल, और पिसे हुए चने भुने हुए, और वो ना हो तो बेसन भी ले सकते हैं। एक अंडा, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक। इन सब चीज़ों को इसमें डाल के मैं कीमे में, और अब मैं इसमें चॉपर में से पीस लूँगी। हाफ कप से थोड़े से ज़्यादा ऑयल में मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज हल्की सी गोल्डन कर ली है, ब्राउन नहीं करना है इसे। और अब इसमें ये 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैं चावलों के लिए डाल रही हूँ, ये डालें इसमें। एक छोटी प्याली दही, अच्छी तरह से गरम मसाला, 4 छोटी इलायचियाँ, थोड़ी सी काली मिर्चें, और 4 लौंगें, जितनी देर में ये भुनेगा इतनी देर में ये इस तरह से, ये कीमा जो मैंने पीस के रखा है मसाले डाल के, इसकी छोटी छोटी सी इस तरह से बॉल्स बना के मैं रख लूँगी। इसे डायरेक्ट हम पतीली में भी डाल सकते हैं, ये ज़्यादा आसान है कि इस तरह बना बना के जल्दी जल्दी। प्याज हल्की गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, गरम मसाला साबुत डाला, और उसके बाद मैंने ये देखें ये बॉल्स छोटी छोटी बना के रख ली हैं इस तरह से। ये आपकी सहूलत के लिए मैंने एक साथ इस तरह से बनाई है, ये मैं सब डाल रही हूँ। और फ्राई नहीं करना है इसे, और ये कोई घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी। इस बाइंडिंग के लिए इसमें अंडा भी डाला है और चने का पाउडर भी डाला है। तो ये अब इस तरह मैं इस तरह डालती हूँ, देखें मैं इस तरह डायरेक्ट डालती रहती हूँ इस तरह से, ये बनाए जल्दी जल्दी और ये डालती हूँ। ये कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं, ये देखें ये छोटे छोटे से हैं, इसलिए मसाले के साथ साथ भुन के ही तकरीबन 15 मिनट में ही ये तैयार हो गए। और अब मैंने चावल भिगो दिए थे, चावल मैंने ये बासमती चावल कम से कम 25 से 30 मिनट भीगने चाहिए, ये 30 मिनट भीगे हुए चावल है। अब इसका एक्स्ट्रा पानी मैं निकाल दूंगी, और अब ये चावल भीगे हुए मैं इसमें डालती हूँ। बिस्मिल्लाह। और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है, इसको चावल को इस तरह से लेवल कर लें, और अब इसमें मैं पानी डालूंगी। पानी इतना होना चाहिए, ये एक उंगली की इतनी जितनी लाइन है, इतना पानी होना चाहिए। ये जब बनके तैयार होंगे छोटे छोटे कोफ्ते बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और मेरी सास मजाक में से प्यार से चिड़िया के कोफ्ते भी कहती थी क्योंकि बहुत छोटे। और अब इस तरह से देखिए पानी तकरीबन खुशक हो चुका है, और ये देखिए अभी इतना पानी है इसमें बबल्स आ रहे हैं, ये अब इस तरह से बबल्स भी इसमें जब चावलों में आने शुरू हो जाएँ तो फिर उस वक्त दम पे रखते हैं। और अब मैं इसे दम लगाऊंगी इस तरह से, एक वो ले लीजिए साफ सुथरा रुमाल, इस तरह से ये रुमाल लिया है मैंने, और इसको गीला कर लीजिए, गीला करके इसे निचोड़ लीजिए अच्छी तरह, धुला हुआ साफ़ सुथरा कपड़ा है ये, इसको इस तरह करके। और अब मैं इसे इस तरह ढकूंगी तो इसमें स्टीम जल्दी बनेगी और चावल जल्दी दम होंगे। और अब ये कलर में मैंने थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाला, और अब ये मैं डाल रही हूँ। अब 2 मिनट के लिए फिर इसे बंद कर दें, और अब ये हमारा कोफ्ता पुलाव तैयार है, और अब मैं इसे सर्विंग प्लेटर में निकाल रही हूँ। ये कोफ्ता पुलाव तैयार है,
और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल किचन विद हुमैरा को सब्सक्राइब कीजिए। अगली रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।